पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे फटी एड़ियों का इलाज है देसी घी। इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्दियों में पैरों की एड़ियां फटने की समस्या काफ़ी आम है। फटी एड़ियों की समस्या कई बार इस कदर बढ़ जाती है कि दर्द के साथ जलन, खून आने की समस्या भी शुरू हो जाती है। आमतौर पर पैरों की एड़ियां फटने की समस्या गंदगी, पैरों की सही तरीके से सफाई ना होने के कारण होती है। सर्दियों में कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इसकी वजह से भी एड़ियां फटती हैं। पैरों की फटी एड़ियों को छुपाने के लिए कुछ लोग मोजे पहनकर रहते हैं, लेकिन उन्हें छुपाने की नहीं बल्कि इलाज करने की ज़रूरत है। फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले क्रीम लगाते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए बाद भी इस परेशानी से छुटकारा नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ फटी एड़ियों का आयुर्वेदिक इलाज। आयुर्वेद में फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए पद अभ्यंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। संस्कृत में पैरों को पद कहा जाता है। पैर हमारे शरीर की नींव है, ये हमें जमीन से जोड़ते हैं। पैरों से भी कई प्रेशर पॉइंट होते हैं जिनकी पितृच्छा और तंत्रिका तंत्र से सीधा संबंध होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का मानना है कि इन बिंदुओं को उत्तेजित करने से तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद मिल सकती है, इसलिए पैरों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मालिश बहुत जरूरी है। फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए परंपरागत तरीके से गाय का शुद्ध देसी घी इस्तेमाल होता आया है। सर्दियों में अगर आप त्वचा में दरारें पड़ गई हैं तो 2 से 3 सप्ताह तक नियमित रूप से सोते समय पद अभ्यंग यानी गाय के घी से बने अपने पैरों और तलवों की मालिश करनी चाहिए। इस तरह देसी घी से एड़ियां की मालिश करने से क्रेक और जलन से छुटकारा मिल जाएगा। फटी एड़ियों पर कैसे इस्तेमाल करें घी? सबसे पहले एक कटोरी में 2 चम्मच घी डालकर उसको गर्म कर लें। घी को गर्म करने के बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं। मालिश करने के लिए आपको घी का तेल तैयार हो चुका है। घी और हल्दी के इस पेस्ट को पैरों की मालिश करें, तलवों की मालिश करें, जहाँ पे क्रेक हुआ है वहाँ मालिश करें, चाहे वो हाथ हो या चाहे पैर हो। मालिश करने के बाद घी को ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह उठकर पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धो लें। रोज इसका इस्तेमाल करने से एड़ियों का फटना कम होगा और त्वचा भी मुलायम बनेगी। लेकिन यह ध्यान रखें कि हल्दी पीली होती है। आप पैर में मालिश करेंगे, हाथ में मालिश करेंगे तो आपका बिस्तर गंदा हो सकता है, इसलिए उसको आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।